हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। स्क्रॉबी की कैमरा सेटिंग यूज़ कैसे करते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फोन है फ्रेंड्स, 20 रुपये, जिसके लिए आपको कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद इस प्रकार से फेस रहता है, पे क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ अधिकतर वाटर मार्क इस प्रकार से ऑन होता है, इस प्रकार से ऑफ होता है। एंड इसके बाद इसे बैक करेंगे, वॉल्यूम बटन पर क्लिक कर देते हैं, आप शटर पर क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक होगा आपका। और सही फ्रेंड्स, दोबारा कहती हूँ, वाटर मार्क इस प्रकार से ऑन होता है, इस प्रकार से ऑफ होता है। एंड देख सकते हैं, इस प्रकार से ऑन होता है। एंड अगर ये ऑन करते हैं तो यहाँ पे डेट, जैसे फोटो क्लिक करते हैं उसमें डेट और टाइम दोनों शो होते हैं, जिससे कि आपको पता चले किस टाइम का फोटो है और किस दिन आपने फोटो क्लिक करे। एंड उसके बाद इस प्रकार से ऑफ होते हैं। एंड इस प्रकार से बैक करेंगे तो आपका यहाँ दिखता है वॉल्यूम बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। और अगर वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं आपका मतलब कि वॉल्यूम आवाज़ तेज होगा इसमें। एंड शटर पर क्लिक करते फोटो क्लिक होगा, जूम पर क्लिक करते आपका जूम होगा, दूर की चीज़ें पास नजर आने लगी। एंड इस पर क्लिक कर देते हैं, सेटर यानी कि फोटो क्लिक होगी वॉल्यूम बटन से। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड फोटो मतलब ऐसे ऐसे टैप करते हैं तो आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। एंड सेटर साउंड जो आप फोटो या कुछ भी क्लिक करते हैं एक साउंड आता है, वो आपका होता है सेटर साउंड। लोकेशन का ऑप्शन है इसमें। एंड एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते तो ऐसा इंटरफेस आएगा। एंड इसका बैक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ देखते हैं लास्ट में रीस्टार्ट डिफॉल्ट। एंड इस पर क्लिक करते ही आपका कैमरा रीसेट हो जाता है। एंड दोबारा क्लिक करते तो आपका कैमरा रीसेट होता है, जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड वीडियो में वीडियो की सेटिंग भी क्लिक करते हैं तो आपका वाटर मार्क सभी वही सेम सेटिंग है जो आपका इसमें फोटो में बताइए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो ऐसे जाके इस पर क्लिक करके यहाँ से रीसेट कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड इसके बाद बैक करेंगे और नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर। एंड उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है टाइमर का ऑप्शन है, यहाँ से टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 सेकंड, 10 सेकंड अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा टाइमर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड और इस पर क्लिक करते दोबारा से ऑफ हो जाते हैं, देख सकते हैं आपका ऑफ हो गया। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा टाइमर यूज़ करेंगे। एंड मोर का ऑप्शन भी क्लिक करते तो आपको यहाँ दिखता है स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन एंड टाइम और मूवीज़ एंड और ये वाला ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपका फ्रंट कैमरा है तो आपको जो मोर के ऑप्शन में जो ऑप्शन थे थोड़े बहुत वो जा चुके, देख सकते स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन हट जाता है। अगर आपका बैक कैमरा है तो आपका मोर के ऑप्शन भी स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन रहता है। एंड इस पर क्लिक करते हैं वीडियो बना के, एंड इस पर कट पर क्लिक करते हैं दोबारा हट जाता है। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। यहाँ से 64 MB का कैमरा है यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको फ्रंट कैमरा दिखा देते हैं, बैक कैमरे की फ़ोटो क्लिक करके दिखाते हैं, देख सकते हैं आप। एंड बैक फ्रंट कैमरे की फ़ोटो क्लिक करके दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। एंड फ्रंट कैमरे की बहुत अच्छी फोटो आती है इसमें, एंड बैक कैमरे की भी, तो देख सकते हैं फ़ोन तो अच्छा होता है इसका रियलमी का। सभी एंड्रॉयड फ़ोन जो भी होते हैं रियलमी से रिलेटेड, एंड सभी फ़ोन अच्छे होते हैं यहाँ पे रियलमी के मॉडल। एंड इस तरीके से आप अपने यहाँ पे ब्यूटी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल आपको फोटो क्लिक होगा, देख सकते हैं। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। और मैं सभी चीज़ें दिखा चुकी फ़ोटो क्लिक करके। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।